आदमी इतना दिन जिया रे, छोड़ो ना, कैसे जिया, जीने की कला क्या थी उसको देखो ना। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर मिट्टी में मिल जाता है, चना की शक्ल खत्म हो जाती है, फिर पेड़ निकलता है और उसमें तो थाल है। कोई जमाना था, तुलसीदास जी ने तुलसी मगन भय राम गुण गाए के, तुलसी मगन राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, साधु चले भुइये भुइये, साधु चले भुइये भुइये, भुइये का मतलब जमीन पर, साधु चले भुइये भुइये चींटी बचाए के, तुलसी मगन भय। ये लंबा भजन है और उसमें साधुओं की बड़ी दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। राजा खाए हलवा पूरी और मलाई बना के, साधु खाए रुखी सुखी दत्त तेरी की, जब मेरे राम सूखे नहीं खाते रुखे नहीं खाते तो प्रसाद हम रुखे दुखे कैसे खाएंगे। बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए प्यारे, तो खाने के पहले भोग लगाओ, तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। बढ़िया कपड़ा पहनना है, पहले सूट वहां चढ़ा दो, क्योंकि घटिया कपड़ा नहीं पहनते राम जी, अपने आप तुम्हारे लिए व्यवस्था होगा, पहले दे दो और फिर ठार से जियो ना ठार से रहो। बोलो कन्हैया लाल की। है ये उस जमाने की बात है, गाधी घबरा गए कि क्या करूं, अगर ना करूं तो श्राप, हाँ करूं तो बिटिया दुखी रहेगी। उन्होंने कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, संतान पर बाप से ज्यादा अधिकार माँ का होता है, मैं अपने रानी से पूछ के आता हूं। रानी के पास उदास गए, रानी ने कहा क्या बात है। बोले एक बड़े प्रतापी ऋषि पुत्र ऋषिक ऋषि जी आए हैं, सत्यवती को मांग रहे हैं, उनके साथ ब्याह करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इतना लाड़ प्यार से पली बिटिया वहां कैसे रहेगी, अगर मैं ना करूं तो डर लगता है, हाँ करूं तो दिल नहीं मानता। सत्यवती ने कहा कि घबराने की क्या जरूरत है, मैं ऐसी उपाय बताती हूँ कि बिना औषधि ब्याह भी कोई। बोले क्या? बोले उनको जाके बोलो कि मैं बेटी का ब्याह तो कर दूंगा, लेकिन मुझे उसके एवज में 1000 शाम कर्ण घोड़ा चाहिए। अब 1 शाम कर्ण घोड़ा भी मिलना मुश्किल है, ये तो सब इंद्र की राजधानी में होते हैं, अश्वशाला में, ना वो घोड़ा दे पाएंगे ना ब्याह होगा, झगड़ा खत्म। राजा ने आकर कहा ऋषि से कि महाराज बात तो बन गई है, लेकिन जो कौशिक है मूल्य, महारानी ने कहा है कि 1000 शाम कर्ण घोड़ा दे दीजिए, कन्या का ब्याह हो जाएगा। बोले कितने दिन में चाहिए, ऋषि कृष्ण ने पूछा कितने दिन में चाहिए। बोले आराम से, जब आपकी व्यवस्था हो तो आ जाना, हम आपके इंतजार करेंगे। बोले अगर आज ही दे दू तो। राजा ने देखा, बोले भांगवान तो नहीं खाया बाबा ने। बोले महाराज आज तो आज सीधे पहुंचे इंद्र के यहां, और ऋषि ऋषिक ऋषि आ रहे, घबराया भागा, चरणों में गिरा देवराज इंद्र, महाराज कैसे आना हुआ, आप तो कभी कहीं जाते आते नहीं। बोले जरूरत पड़ गई है, आज्ञा कीजिए। बोले 1000 शाम कर्ण घोड़ा आज सूर्यास्त के पहले पहले गाधी के दरवाजे पर पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो तू और तेरा इंद्रासन खतरे में है। बोले कोई बात, जैसे इनकम टैक्स वाले के आगे अपान जोड़ते। बोले बोले महाराज कोई बात नहीं, हो जाएगा। संकल्प की बात थी,
देखते देखते 1000 घोड़े पहुंच गए। इस चमत्कार को देखकर राजा रानी ने कन्या का शादी कर दिया। आ गए, दोनों रह रहे थे, बरसों बीत गए दाम्पत्य जीवन में, कोई पुत्र नहीं हुआ। सत्यवती ने एक दिन प्रार्थना किया कि प्रभु, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कृपा करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, खीर बनाओ, और खीर तैयार हुआ। एक खीर, एक पात्र में खीर रखा, भूलिएगा मत, परशुराम कौशिक जन्म जानत सकल जान। तब अदृश्य भय पावक सकल सही भई सुन जाए, वो बता रहा हूं मैं आपको। दो खीर की कटोरी तैयार हो गई और एक पात्र को ऋचिक ऋषि ने ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित किया और दूसरे खीर को छात्र मंत्र से अभिमंत्रित किया। और ऋषिक ऋषि ने कहा कि देवी, ये ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित है, इससे जो तुम्हारा पुत्र होगा वो ब्रह्म ऋषि होगा, ज्ञानी होगा, शास्त्रज्ञ होगा, विशुद्ध ब्राह्मण वैदिक होगा, और ये अपनी माँ को खिला देना, इसको मैंने छात्र मंत्र से अभिमंत्रित किया है, क्षत्रिय वीर योद्धा ऐसा होगा। उन्होंने कहा चमराइये मेरे लिए, मेरी माँ के लिए। बोले हाँ, बोले आज्ञा हो तो मैं माँ के साथ बैठकर इकट्ठी हम लोग खा लें तो। बोले हाँ कोई बात नहीं, यहाँ खाओ वहां खाओ, जाओ। आई सत्यवती माँ के पास और अद्योपांत शुरू से आखिरी तक वो घटना सुना दिया। गाधी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन मन में शंका आ गया कि ऋचिक ऋषि ने अपने वाले खीर को किसी विशेष विधि विधान और मंत्र से अभिमंत्रित किया होगा और मेरे लिए हो सकता है कि वही ठेकेदारी में बना दिया होगा। तो माँ के मन में लालच आ गया, बोले बेटी क्यों ना कहें कि मेरा वाला तू खा ले और तेरा वाला मैं खा लूं। बेटी ने कहा कोई बात नहीं माँ, जैसी इच्छा। अब जो बेटी को खाना चाहिए था उसने माँ को खा, माँ ने खा लिया, और जो माँ को खाना था वो बेटी ने खा लिया। प्रसन्न होकर सत्यवती आई, ऋषिवर ने पूछा हो गया काम, खा लिया? बोले हाँ महाराज खाया, तो थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मेरी वाली माँ खा गई, माँ वाला मैं खा गई। मत्था ठोका, बोले क्या किया? अरे सत्यवती, तेरे यहां जो ब्राह्मण प्रवृत्ति का बालक होना चाहिए, अब तेरे यहां छात्र प्रवृत्ति का युद्ध प्रिय क्रोधी त्रिलोक विजयी ऐसा पुत्र होगा। और राजा कहां जा, जहां युद्ध प्रिय पुत्र होना चाहिए था वीर, वहां पंडित प्रवृत्ति का लड़का पैदा होगा। क्या करेगा वो, वेद पढ़ेगा क्या? अब तो घबराई, परिणाम सुन करके चरणों में गिर पड़ी। बोले महाराज भूल हो गई, सुधारिए, हम आपके शरणागत हैं। अन्ने बिन्ने प्रार्थना किया तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम जो मंत्र का प्रभाव है वो चलेगा तो नहीं, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जो पुत्र होना चाहिए ब्राह्मण प्रवृत्ति का, जो आपकी छात्र प्रवृत्ति वाला होगा, तो ये मेरा आशीर्वाद है कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वो क्रोधी लड़ाकू क्षत्रिय प्रवृत्ति का नहीं होगा, तुम्हारा पुत्र सात्विकी प्रवृत्ति का होगा। लेकिन तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र है, एक बार ब्रह्मांड हिला देने वाला वीर ब्राह्मण पैदा होगा, और तुम्हारे मम्मी के यहां जो पंडित जी पैदा होना चाहिए पूजा पाठ करने वाला, वो नहीं क्षत्रिय प्रवृत्ति का होगा, और उसी शरीर में किसी विशेष समय में जाकर के वो ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। टाल दिया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऋषि ऋषि के पुत्र हुए जमदग्नि, जल्दी बोलो कौन, जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम,
और वो परशुराम क्या थे भैया, आपको पता ही है, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही और विपुल बार महिदेवल दीनी वीर विहीन मही बैकिनी। कहते हैं 21 बार क्षत्रियों को समाप्त कर दिया, वीर विहीन वीरों से खाली कर दिया और क्षत्रियों से शून्य कर दिया। ये किसने बोला? आप लोग कथा सुन रहे कोई कहा हूं? परशुराम ने कहा था। एक ऋषि और दशरथ जी अभी उसी काल में थे, वीर और क्षत्रिय। तो परशुराम के वचन का क्या हुआ अगली कथा में बताऊंगा। श्री राम जय राम। और तुम्हारे मां के घर में विश्वामित्र पैदा हुए और विश्वामित्र बहुत देर तक राज किया और गए एक बार वशिष्ठ के यहाँ, वहां नंदनी गाय का चमत्कार देखा और तब से उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। लंबी कहानी है ब्रह्म ऋषि बनने का। आज अग्नि देवता ने कहा कि खबरदार, उलट फेर चरु में हुआ तो अनर्थ हो ईमान, परशुराम कौशिक जन्म जानत सकल जन, तब अदृश्य भे पावक, तब अदृश्य भे पावक सकल सबई सब जाए, परमानंद मगन नृप हर सन हृदय समाए। श्री राम जय राम।